जैसे जैसे 2024 के जनरल इलेक्शन का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने मैनिफेस्टो को रिलीज कर रही है। हो सकता है बहुत लोगों को ये ना पता हो कि मैनिफेस्टो क्या होता है, उनको मैं बता दूं कि मैनिफेस्टो का मतलब होता है घोषणा पत्र। घोषणा पत्र मतलब कि वो पॉलिटिकल पार्टी किन वादों के साथ इलेक्शन में खड़ी हो रही है। और कल डीएमके ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डीएमके के मैनिफेस्टो के बारे में। जब मैं इनके घोषणा पत्र को पढ़ रहा था तो उनमें जो मेन चीजें मुझे मिला वो मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूं। तो डीएमके के इस मैनिफेस्टो के अंदर कुछ अच्छी चीजें भी है, कुछ खराब चीजें भी है, लेकिन मेरा जो ध्यान है वो कुछ चीजों के ऊपर जाता है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा आपके सामने। अगर आप लोग हमारे रेगुलर व्यूअर है तो आपको पता होगा कि हम लोग कन्वर्जन के ऊपर बहुत ज्यादा बात करते हैं, कि कैसे जो क्रिश्चियन मिशनरीज है वो हमारे हिंदुइज्म के ऊपर अटैक करती हैं, लोगों को कन्वर्ट करती हैं। जो गरीब लोग होते हैं, जो मेनली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से हमारे भाई बंधु आते हैं, उनको टारगेट किया जाता है और उनको लुभाकर उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है। तो इनके मैनिफेस्टो में एक पॉइंट है जिसमें ये लोग माइनॉरिटी वेलफेयर की बात करते हैं, और इसमें अगर 6th पॉइंट को आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा गया है कि द फंडिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज टू नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओज फॉर पॉलिटिकल रीजंस हैज बीन करंटली स्टॉप्ड। द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट विल बी प्रॉपरली अमेंडेड एंड मेजर्स विल बी टेकन टू इंश्योर दिस फाइनेंशियल एड कंटिन्यू टू रीच एनजीओज विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। ये जो पॉइंट लिखा गया ना, इसको बहुत घुमा फिरा के लिखा गया है कि अगर कोई इस मैनिफेस्टो को पढ़े भी तो उसको समझ में नहीं आया कि आखिर ये लिखा हुआ क्या है। अगर आपको याद हो तो बीजेपी जब चुन कर आई थी तो उसके कुछ सालों के बाद उन्होंने बहुत सारे एनजीओज की फॉरेन फंडिंग बंद कर दी थी, क्योंकि वो लोग जो पैसे बाहर से इंडिया में मंगवा रहे थे उस पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा था और उसके बारे में डिटेल्स गवर्नमेंट के पास नहीं थे। जबकि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी एनजीओ अगर हमारे देश के बाहर से पैसा लेता है तो उसको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होता है कि कितने पैसे उसे मिले हैं और उस पैसे का जो इस्तेमाल है वो कहाँ पे हुआ है। और इसका एक प्राइम एग्जांपल है दिल्ली के दंगे। दिल्ली में जो दंगे हुए थे उनमें इन्हीं पैसों का इस्तेमाल किया गया था, अलग अलग एनजीओज ने पैसे को पंप किया था ताकि दिल्ली के अंदर दंगे करवाए जा सके। अब डीएमके का कहना है कि ये जो पैसे बाहर से आ रहे थे एनजीओज को, जिसको कि बंद कर दिया था बीजेपी की गवर्नमेंट ने, उसको हम लोग वापस से स्टार्ट करवाएंगे ताकि आराम से पैसे भारत के बाहर से एनजीओज में आ सके। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका रिलेशन कन्वर्जन से क्या है। देखिए, ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज होते हैं या कोई भी मिशनरी होता है, वो जब भी किसी को कन्वर्ट करता है तो उसके लिए उन्हें चाहिए होते हैं पैसे, ताकि लोग उसके लिए काम कर सके, पैसे देकर वो लोगों को लुभा सके। अब इनको पैसा इंडियन गवर्नमेंट तो देगी नहीं, लेकिन मेन जो इनको पैसे आते हैं वो हमारे देश के बाहर से आते हैं, क्योंकि ये जो मिशनरीज होते हैं वो बाहर के कंट्रीज के इशारे पे ही नाचते हैं। लेकिन डीएमके क्या करेगी कि ये जो पैसे बंद किए गए थे इसको वो स्मूथ कर देंगे, आराम से इन एनजीओज को पैसे मिल पाएंगे ताकि ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज है या कोई भी मिशनरी है वो आराम से काम कर सके, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब अगर आप लोगों ने कभी भी गौर किया है तो जो लोग सदर्न पार्ट ऑफ भारत में गए उनको पता होगा कि तमिलनाडु के अंदर जो क्रिश्चियन मिशनरीज है वो कितने एक्टिव है। ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जिसने हमारे सनातन धर्म के ऊपर कितने अभद्र टिप्पणियां एक बार नहीं कई बार की है। इनके जो मिनिस्टर्स है वो लगातार हमारे सनातन धर्म के ऊपर अटैक करते रहते हैं। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनजीओस की फॉरेन फंडिंग बंद की थी तो जॉर्ज सोरस बिलबिला आ गया था। जॉर्ज सोरस के बारे में वापस से हम आपको एकदम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि ये जो जॉर्ज सोरस है वो वही व्यक्ति है जो कि इंडिया को तबाह करना चाहता है और कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि ऑलरेडी इसने जो अपना पकड़ है वो बहुत सारे कंट्रीज में बनाया हुआ है। अब ये जो जॉर्ज सोरस है ये पूरे दुनिया के अंदर अपना कंट्रोल बनाना चाहता है अपने एनजीओस के जरिए। उनमें जो मेन एनजीओ है वो है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। अब ये जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, जब इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने शिकंजा कसा था तब ये जॉर्ज सोरस बौखला गया था। अच्छा, अगर आप इनके पहले पॉइंट को देखोगे तो इनके पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि द 2019 CAA लॉ विल बी रिपील्ड एंड ऑल माइनॉरिटीज विल बी ट्रीटेड इक्वली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कि जो करंट गवर्नमेंट ने CAA इंप्लीमेंट किया है ये लोग उस चीज़ को खत्म कर देंगे। और CAA खत्म करने का मतलब हुआ कि वो हिंदू, वो सिख, वो जैन, वो बौद्ध जिसको कि पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान के अंदर उसके धर्म के कारण उसे प्रताड़ित किया गया है, वो भारत के अंदर शरण नहीं ले पाएगा। इनके चौथे पॉइंट में ये मेंशन किया गया है कि द फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रीवियसली प्रोवाइडेड टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैज नाउ बीन स्टॉप्ड। Actions will be taken to resume this assistant. इस पॉइंट से जो मैं समझ पा रहा हूँ, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये लोग मदरसा को वापस से पैसे दिलवाएंगे। मतलब कि मुस्लिम सिलेक्ट करें मदरसा को अपने पढ़ाई के लिए बजाय कि किसी स्कूल को सिलेक्ट करने के। और मदरसा के अंदर किस तरीके से पढ़ाई करवाई जाती है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक गूगल करोगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि मदरसा में आखिर क्या पढ़ाया जाता है। और मदरसा से पढ़कर जो लोग बाहर निकलते हैं उनका जो एजुकेशन का लेवल होता है और उनका जो रेडिकलाइजेशन का लेवल होता है वो कितना ज्यादा होता है ये भी आपको पता चल जाएगा। पांचवें पॉइंट में ये बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि माइनॉरिटीज के राइट्स को छीनता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है, हम उसे इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। अब देखिए, ये जो डीएमके ये कितना हिपोक्राइट है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो
ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर का बार बार नाम लेते हैं, है ना। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं क्योंकि उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, लेकिन ये लोग उनके ही कहे गए रास्तों पर चलते नहीं हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद कहा था कि हमारे देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड होना ही चाहिए। तो जो भी लोग बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आइडल मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनको प्यार करते हैं, और अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर के राह पर चलते हैं तो आप कम से कम उनकी बात को तो मानोगे। और यहाँ पे तो डीएमके कह रही है कि हम बाबा साहब के कहे हुए बातों को मानेंगे ही नहीं। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने असेंबली के अंदर यूसीसी को सपोर्ट किया था, एकदम खुले में ओपन सपोर्ट किया था, तो उस समय पे उनको बाकी के जो मेंबर्स थे उनसे बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी थी। डीएमके पार्टी का कहना है कि हम तमिल लैंग्वेज के ऊपर काम करेंगे और तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल मद्रास हाईकोर्ट का लैंग्वेज घोषित करेंगे। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, तमिल एक बहुत खूबसूरत लैंग्वेज है और हमारा वन ऑफ द एंशियंट लैंग्वेज है। बट डीएमके वाले ये नहीं बताते हैं कि जिस तरीके से ये लोग हिंदी का विरोध करते हैं तो खुद इनके जो लीडर्स हैं उनके खुद के जो स्कूल चलाए जाते हैं, जो सीबीएसई मीडियम है, उनमें हिंदी पढ़ाई जाती है। ऐसा क्यों है? तो ये आपके कथनी और करनी में इतना ज़्यादा डिफरेंसेस क्यों है? जो लोग भी तमिलनाडु से हैं उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप इनसे पूछिएगा जाके एक बार। जब बात पैसे कमाने की आती है तो आप हिंदी को सपोर्ट करने लगते हैं, जब बात वोट बैंक की आती है तो आप हिंदी को अपोज करने लगते हैं, ऐसा क्यों? इनके पॉलिटिशियंस ने खुद बताया है कि 15 अगस्त को हम लोग एज अ ब्लैक डे कंसिडर करते हैं और उस दिन हम लोग काले कपड़े पहन कर आते हैं। जहाँ से डीएमके पॉलिटिकल पार्टी का जन्म हुआ था, यानी कि जस्टिस पार्टी से, तो जस्टिस पार्टी के जो मेंबर्स थे उन्होंने अपने लेटर में ब्रिटिशर्स को ये लिखा था कि ब्रिटिशर्स प्लीज़ आप भारत छोड़कर मत जाओ और कांग्रेस के हाथ में अपने पावर देकर मत जाओ। मतलब इन शॉर्ट हम ये चाहते हैं कि आप भारत को छोड़कर ही ना जाओ। तो ये सभी जो चीज़ें, जो फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, इसके ऊपर आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारे कोई भाई बंधु साउदर्न पार्ट ऑफ भारत से हैं तो वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इस बारे में ज़रूर बताइएगा।